क्या आपके कूलर की मोटर जाम है, या फिर आप उसे डंडे से घुमाकर चलाते हो, या फिर आपके कूलर की स्पीड बहुत कम है, तो इस वीडियो को पूरा देखना गाइस। हम इस वीडियो में रिपेयर करके दिखाने वाले हैं इस मोटर को। अगर आपके कूलर की मोटर भी जाम है या कम स्पीड दे रही है तो इस वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटे को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक कर देना गाइस। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप जब भी कूलर को ऑन करते हो तो आपको पंखे को घुमाना पड़ता है जब जाके आपका कूलर चलता है, या मान लीजिए आप जब भी कूलर चलाते हो तो आपका कूलर बहुत कम स्पीड में चल रहा है, हवा दे रहा है लेकिन बहुत कम दे रहा है। तो हम रिपेयर करके दिखाने वाले हैं आपको इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इसका कैपेसिटर है इसे चेक करना है, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है या ख़राब हो चुका है। क्योंकि सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं, उसके बाद हम मोटर को खोलेंगे, ठीक है। तो आपको कैपेसिटर चेक करना है। इसे आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, आप इस कैपेसिटर को खोल लीजिए और खोलने के बाद आपको इसे के दोनों तारों को लाइट में लगाना है, बोर्ड में। बोर्ड में लगाने के बाद इसे खोलकर आपको क्या करना है, दोनों तारों को टच करना है एक दूसरे से। इसमें अगर चिंगारी निकलती है या आवाज़ आती है तड़की, तो आपका कोई चल्लू है ये, ठीक है, कैपेसिटर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मान लीजिए आप प्लग इन जैसे ही बोर्ड में से निकालते हो और इसे टच करते हो दोनों तारों को और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, इसकी आवाज़ भी नहीं आती है और चिंगारी भी नहीं निकलती है, तो ये ख़राब हो चुका है। तो आपको इसे चेंज करना होगा कैपेसिटर को, क्योंकि हमें मोटर खोलने से पहले आपको कैपेसिटर चेक करना है। कैपेसिटर हमें नया डालकर देखना है, और अगर नया डालने पर मोटर स्पीड कर चलती है और अच्छे से वर्क करती है तो आपको मोटर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। तो बिना कुछ सोचे समझे आपको मोटर नहीं खोलनी है, पहले कैपेसिटर को चेक करना है अच्छे से, ठीक है, इसको नया लगा कर देख लेना है। आपको आसानी से इसमें खुल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसे खोलने में। बार का बार इसे खोल देना है, खोलकर आप नया लगा दीजिए, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको मोटर को देखनी है, अगर फिर भी काम नहीं करता है, आप मान लीजिए कैपेसिटर को लगा लिए हो और उसके बाद भी आपकी मोटर जाम चल रही है या फिर मोटर चल नहीं रही है अच्छे से स्पीड में, तो उसके बाद आपको मोटर खोलनी होगी, ठीक है गाइस। तो पहले तो आपको कैपेसिटर ही चेक करना है, इसे अच्छे से चेक करने के बाद या नया लगाने के बाद आपको देखना है चलाकर मोटर को, मोटर अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, उसके बाद हम मोटर को खोलने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आप मोटर खोल लेते हैं। हम पहले देख लीजिए आप, ये जाम चल रहा है अभी, कूलर की जो मोटर है ये जाम चल रही है। हम इसे चलाते हैं तो जैसे हम ऑन करते हैं कूलर को तो आवाज़ करती है, मोटर साउंड करती है, लेकिन पंखा घूमता नहीं है, ठीक है। हम डंडे से घुमाते हैं इस पंखे को जब जाके ये कूलर वापस चलता है, तो इसकी स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ऐसे तो, लेकिन घूमता तो है लेकिन जाम चलता है गाइस। तो इसकी क्या होती है, इसकी जो शाफ्ट होती है वो पीछे चिपक जाती है, एक तो ये कारण है ये, तो दूसरा कारण इसका ये है गाइस, इसमें आयल की कमी हो जाती है, जो इसमें आयल डलता है गाइस इसकी शाफ्ट में, तो आयल की कमी हो जाती है, शाफ्ट पूरी तरह सूख जाती है, तो भी ऐसा होता है और ये जाम हो जाती है, तब भी हमें डंडे से घुमाना पड़ता है इसे। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, यही देखना है। तो आपको इस वीडियो में एक कमेंट जरूर करनी है गाइस, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा आपने। चलिए हम इसे आप खोलते हैं। कूलर में से मोटर को निकालने में कुछ टाइम ज़रूर लगेगा, आपको परेशानी आएगी निकालने में, लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। इसके सिर्फ चार नट ही खोलने होंगे आपको, जिसमें कूलर की मोटर बाहर निकल जाएगी, ठीक है, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन टाइम ज़रूर लगेगा आपको, 20 मिनट लग सकता है इसे खोलने में, आप आराम से खोलें, ठीक है। हमने खोल लिया इस मोटर को, खोलने के बाद इसके चारों नट खोल लेना आपको, हमने पहले से नट खोल रखे हैं इसके, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, हमें जो बताना है आपको वही बताएंगे हम, ठीक है, आपको परेशानी नहीं होगी इसे ज़्यादा टाइम तक वीडियो देखने के लिए। तो आपको इसके चारों नट को खोल लेना है, हम भी खोल लेते हैं फटाफट। खोलने के बाद इसको आसानी से खोल लेना है आपको, इस तरह से ऊपर ठोकना है, खुल जाएगी। अगर जाम है तो आपको ठोकना होगा हथौड़ी से या किसी लकड़ी से, जिसमें खुल जाएगी। तो इसकी शाफ्ट आप देख सकते हो बिल्कुल सूख चुकी है, इसमें कोई आयल नहीं है, तो ऐसे चल चल कर ये शाफ्ट क्या सूख जाती है, इसी कारण से चिपक जाती है पीछे से और जाम भी हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, आपको इसमें आयल डालना है, ठीक है गाइस। तो आयल डालने से क्या होगा, ये वापस काम करने लग जाएगी और पीछे चिपकेगी नहीं, अगर चिपकेगी नहीं तो ये जाम भी नहीं होगी, ठीक है गाइस। तो आपको इतना ही ध्यान रखना होगा, आपको और कुछ नहीं करना है इसके अलावा,
ठीक है, जिसमें आपकी मोटर अच्छे से वर्क करेगी और पूरी स्पीड में चलेगी। क्योंकि स्पीड इसकी स्पीड इसलिए कम होती है, या तो शाफ्ट जाम हो रही है, या दूसरी बात इसका जो कैपेसिटर है वो ख़राब हो चुका है। ठीक है गाइस, दोनों तरीके से ही ये जाम होती है और बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। आपको ऑयल डाल लेना है जिसमें आपकी मोटर अच्छे से वर्क करेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।